बेसिक कन्सेप्ट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट को हम फिजिकल केमिस्ट्री का ए बी सी डी भी कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा वेटेज आई आई टी और नीट के एग्जामिनेशन में भी होता है इसके साथ साथ हम क्लास नाइन्थ और एलेवेंथ के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ढेर सारे क्वाइंस लेकर बैंक जाते हैं तो जो बैंक के कैशियर्स होते हैं वो आपके क्वाइंस को गिनने के बजाय उन्हें वेट करके भी उनकी संख्या का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं सेम उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स के नंबर और मास को लिंक करते हैं और इसी लिंक को मोल कहते हैं सो मोल इज़ द लिंक बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ एटम्स बेसिकली मोल को डिफाइन किया जाता है इट इज़ डिफाइंड एज द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज़ नी एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस एज देयर आर ऐटम्स इन एग्जैक्टली ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप इट मीन्स मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उतने ही ऐटम्स जितने कार्बन के 12 ग्राम में होंगे वही मोल है तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का चाहे वो एटम हो मॉलिक्यूल हो या गैस हो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं तो जो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 6.022 पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी और इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर ये बहुत ही सिंपल लिंक है दुनिया में चाहे कोई भी सब्सटेंस हो उसका अगर हम बात करेंगे एक मोल तो एक मोल का वेट अलग अलग हो सकता है लेकिन एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी अलग नहीं होंगे उनकी जो काउंटिंग होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी और मोल एक बहुत ही पॉपुलर यूनिट है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि हर साल ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को जो केमिस्ट्स होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं केमिस्ट्री के वो सिक्स टू ए एम से सिक्स टू पी एम तक अनऑफिशियल हॉलीडे करते हैं पता है क्यों जरा इस डेट को और इस टाइम को लिंक करें आपको इसका आंसर मिल जाएगा जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया मोल इज़ द लिंक बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ एटम्स एंड वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वेदर इट इज चॉक, ब्लैक बोर्ड लार्ज और स्मॉल इट ऑलवेज कंटेन 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपने क्लास नाइन्थ में जरूर पढ़ा होगा कि मास ऑफ़ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के विच इज़ वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम एंड एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली लो दैट इज नाइन पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम सो इफ वी कंसिडर मास ऑफ एन एटम वी काउंट द mass of its constituent that is if we calculate the atomic mass of carbon atom we have to sum up the mass of protons electrons and neutrons present in it as carbon contain six protons six electrons and six neutron so some of their masses will be the mass of carbon atoms but as i told you earlier that the mass of electrons is negligible as compared to protons and neutrons so the sum up of mass of protons and neutrons will be the atomic mass of carbon atoms तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम अप करते हैं तो हमें कार्बन एटम का मास मिल जाएगा और ये होगा 12 into 1.67 into 10 to the power minus 27 gram इस यूनिट को हम लोग कंसीडर करते हैं AMU that is atomic इज़ unit मास यूनिट बट ध्यान देना बच्चों जब भी आपको किसी एक दो एटम का मास काउंट करना हो तभी आप इस यूनिट का यूज़ करेंगे अदरवाइज आप ग्राम एटॉमिक मास का यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तो 1 एएमयू इज़ द मास वन अपॉन्ट ट्वेल्व मास ऑफ कार्बन एटम अगर हम कार्बन ट्वेल्व ग्राम कार्बन के मास को वन से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे बोलते हैं वन ए एम यू और वन ए एम यू कुछ और नहीं बल्कि मास ऑफ प्रोटॉन्स ही होती है अगर हम एक कार्बन आइटम का मास देखते हैं तो वो ट्वेल्व ए है बट जब हम एक मोल कार्बन आइटम का मास काउंट करने जाते हैं तो एक मोल कार्बन एटम का मास काउंट करने के लिए एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एक कार्बन आइटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली ग्राम आती है इसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने नोटिस की अगर आपको एक एटम का मास काउंट करना है तो आप ए का यूज करेंगे और अगर आपको एक मोल एटम के मास को काउंट करना है तो आप ग्राम का यूज करेंगे ओके और ये रहे इस मोल कॉन्सेप्ट में यूज किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फर्स्ट अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है तो आप क्वेश्चन में दिए गए गिवन मास को डिवाइड कर दीजिए एटम के केस में एटॉमिक मास से और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिकुलर मास से आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा और इन केस अगर गिवन मास ना देके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर जैसा मैंने आपको बताया था अभी सिक्स पॉइंट टू द पावर ट्वेंटी आप जैसे डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा चूंकि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में भी मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ मास इज सॉरी मोल इज नथिंग बट लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स सो बाई लिंकिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी गेट अ न्यू वन दैट इज गिवेन मास अपॉन एटोमिक मास और मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोकैड्रो नंबर और अगर ये आपके जो सब्सटेंस हैं वो गैसेस स्टेट में हैं तो उसमें जो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना वो ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है एस पर एस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितना होता है 273 केल्विन सेवेंटी टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर या तो उसे हम 760 हंड्रेड प्रेशर भी बोल सकते हैं तो उस प्रेशर पर किसी भी गैस का जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को आप स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम का मतलब अगर आइडियल गैस है कोई भी आइडियल गैस एक मोल में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो उसका स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कहलाएगा और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम को जब मेजर किया गया तो वैल्यू है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर इसके आप अलग अलग यूनिट्स कन्वर्जन भी देख लेंगे क्योंकि यूनिट्स जो होते हैं उन्हें हम लोग टॉक्स कहते हैं डॉक्स ऑफ टॉपिक और ऑलवेज बीवेर ऑफ डॉक्स सो लेट्स स्टार्ट 22.4 लीटर को हम लोग 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं या तो इसे हम एम में चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 22,400 एमएल थाउजेंड और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब नाउ अब इन फॉर्मूलास के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो लेट्स प्ले विद द न्यूमेरिकल्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स तो गिवेन मास आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्टी टू ग्राम आपको नंबर ऑफ मोल पता करना है एटम का नाम है हीलियम तो हीलियम का मास एटॉमिक मास आप लेंगे फोर और गिवेन मास से आप डिवाइड कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा दैट इज थर्टीन मोल्स सो सिंपल मोल से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कितने भी टफ क्वेश्चन हैं ये बस इन चार फॉर्मूलाज से आप कर सकते नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है वाटर का इन 90 ग्राम ऑफ वाटर तो वाटर कोई आइटम तो नहीं है ये एक मॉलिक्यूल है तो हमें पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसके फॉर्मूला फौर, फार्मूला में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी के मास को आप समअप कर दीजिए यानी ऐड कर दीजिए आपको वाटर का मास मिल जाएगा तो वाटर का मालिकुलर मास आया एटीन ग्राम और अब हम क्या करेंगे जो गिवन मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे और हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ एटम नहीं पता करना है ना ही मोल ऑफ एटम पता करना है आप को मोल गीवे है और नंबर ऑफ़ आइटम्स पता करने हैं तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था दुनिया में चाहे हाइड्रोजन गैस हो हीलियम गैस हो कोई एटम हो सॉलिड हो लिक्विड हो अगर उसका एक मोल आप लेंगे तो नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स ऑलवेज एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा और वो है सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री तो अगर एक मोल में इतने एटम्स तो थ्री मोल में नंबर ऑफ एटम पता करने के लिए इस एवोगाड्रो नंबर को आप थ्री से इनटू करेंगे आपका आंसर आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ एन फोर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने एटम्स हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बट आपको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को जो पता करना है वो एन फोर में पता करना है और एन फोर के थर्टी सिक्स ग्राम में पता करना है तो पहले आप ये पता लगाएंगे कि एन फोर का नंबर ऑफ मोल्स कितना है क्योंकि जैसे ही आपको मैंने बताया ना मोल अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं और मास ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं तो मुझे पहले इसका नंबर ऑफ मोल पता करना है हम देखेंगे मॉलिकुलर मास ऑफ एन एच ग्राम आएगा और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गीवन मास को इसके मॉलिकुलर मास से हम डिवाइड करेंगे हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया दैट इज दू मोल्स अब इस फॉर्मूला पे आप आइए जब आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस एन में एक नाइट्रोजन फोर हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड कर रहा है इट इटमीन अगर एन एच फोर एक मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ मोल ऑफ नाइट्रोजन भी एक होगा लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा उसका फोर टाइम होगा मीन्स चार मोल होंगे तो अगर एन एच फोर दो मोल है तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो होंगे उनका जो मोल होगा वो फोर टू जट मोल होगा अब हमें पता है कि वन मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर तो एट मोल में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे एट मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर यू विल गेट योर आंसर फाइंड इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4. टू एस ओ फोर एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग्स फर्स्ट मोल्स ऑफ H2SO4. टू एस ओ फोर सेकेंड मोल्स ऑफ सल्फर थर्ड नंबर्स ऑफ सल्फर एटम फोर्थ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड फिफ्थ मास ऑफ सल्फर एटम्स ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स कवर करेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एस टू एस ओ फोर का मास दिया हुआ है गिवन मास दिया हुआ है हम इसका मॉलिकुलर मास निकालेंगे विच इज़ 98 ग्राम आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है सारे आइटम के मास को अप कर दीजिए नो no, हम गिवन मास को मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे वी विल गेट इट्स नंबर ऑफ़ मोल्स सेकेंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो आप उसके जो कॉन्स्टिटूंट हैं उसका नंबर ऑफ मोल पता लगा सकते हैं बस उस कॉन्स्टिटूंट के नंबर ऑफ़ आइटम को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं एक एस टू एस ओ फोर में एक सल्फर है तो जितना नंबर ऑफ़ मोल एस टू एस ओ फोर का होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल सल्फर का भी होगा टू मोल ऑफ सल्फर नो नंबर ऑफ़ सल्फर ऐटम तो मैंने कहा अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं बस आप नंबर ऑफ मोल को एवो गैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें आपका आंसर आ जाएगा नो नंबर ऑफ ऑफ मोल्स हाइड्रोजन ये आपको ध्यान देना है कि एच टू एस ओ फोर के फॉर्मूला में एक एस मोल एच टू एस ओ फोर में दो मोल हाइड्रोजन है फॉर्मूला पे ध्यान दें आप तो अगर एक मोल में दो मोल हाइड्रोजन है तो दो मोल एस टू ओ फोर में हाइड्रोजन कितने मोल होंगे ऑब्वियसली फोर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नो नेक्स्ट मास ऑफ सल्फर एटम्स तो अगर हमें सल्फर एटम्स का मास पता करना है तो अभी है मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन नंबर टू में पता लगाया था कि देर आर टू मोल्स ऑफ सल्फर तो अगर हमें मोल्स गिवन है तो मैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगा सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटोमिक मास नंबर ऑफ मोल्स इज टू गिवन मास वी हैव टू फाइंड इट दैट इज एक्स एंड एटोमिक मास ऑफ सल्फर इज थर्टी टू वैन वी क्रॉस मल्टीप्लाईड वी विल गेट सिक्सटी फोर ग्राम इज द मास ऑफ सल्फर एटम्स इन 196 gram of H2SO4. Now there is another question. In 3 moles of ethane, which is C2H6, calculate the number of moles of carbon, number of moles of hydrogen, number of molecules of ethane, not moles of ethane, that is molecules of ethane. First, 1 mole of C2H6 contains 2 moles of carbon we can easily predict it by the with the help of formula of ethane एज़ हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एक मोल लेते हैं इथेन का तो उसमें कार्बन डबल होगा और हाइड्रोजन सिक्स टाइम्स होगा तो अगर यहाँ पे तीन मोल लिया गया इथेन का तो जो कार्बन का मोल्स होगा वो थ्री टू जिक्स टाइम हो जाएगा सिक्स मोल ऑफ कार्बन और अगर हम एक मोल सी टू एस सिक्स लेते हैं तो उसमें सिक्स मोल हाइड्रोजन होगा तो तीन मोल सी टू एस सिक्स यानी इथेन में एट्टीन मोल हाइड्रोजन होगा ये फॉर्मूला से आप आराम से प्रेडिक्ट कर लेंगे अब और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब सेम है और इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता करते हैं हम लोग और वो इथेन में कितना आएगा तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स को बस एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देंगे यहाँ पर तीन मोल है तो थ्री मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर वी विल गेट आवर एंसर ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए जिसे आप घर पे जरूर ट्राई करें ना द क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन फाइव पॉइंट सिक्स डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट एस तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है ओजोन का एस पर तो अगर आपको वॉल्यूम गिवेन है तो आप फॉर्मूला नंबर फोर लगा सकते हैं वॉल्यूम एट एस टी पी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम आपको जैसा कि पता है वॉल्यूम ऑफ एट एस टी पी कितना है 5.6 पॉइंट सिक्स डेसीमीटर क्यूब तो बच्चों आप ध्यान देंगे इस बात का कि जो यूनिट होगी ऊपर और नीचे दोनों सेम होनी चाहिए अगर ये डेसीमीटर क्यूब में है तो मैं जो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम लूँगा वो भी किस में लूँगा डेसीमीटर क्यूब में क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर का कन्वर्जन सेम होता है उसकी वैल्यू सेम होती है तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और मेरा ये आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव मोल ऑफ ओ थ्री मोलिकुल्स एक्सरसाइज़ नंबर वन और टू को ज़रूर ट्राई करें और अपने आंसर हमें कमेंट करें सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस